जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की अपडेट है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर काफी चिंतित है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, सेकंड ईयर का, फाइनल ईयर का, प्राइवेट का, रेगुलर का। तो साथियों, आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। रिजल्ट जिन लोगों के अभी नहीं आए हैं तो उन कोर्सेज का भी रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। एक कोर्स का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है, तो बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बीकॉम फाइनल ईयर रेगुलर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें कुछ कॉलेजों का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसमें डिटेन आया है, डिटेन कुछ कॉलेज का। तो उसमें वो बच्चे परेशान ना हो, उनका रिजल्ट भी बहुत जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। काफी सारे कॉलेज हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया है, यानी कि बीकॉम में लगभग 10 से 12 कॉलेज ऐसे हैं जिनका रिजल्ट रोक दिया गया है, तो वो रिजल्ट भी बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। इससे आगे बात करें जो बाकी कोर्सेज हैं तो उनका रिजल्ट भी बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। हो सकता है इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक आपका सभी कोर्सेज का लगभग रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे आगे बात करें, एक नोटिस जारी किया गया है सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से आज, तो वो नोटिस है आपका कि सभी बच्चे अपना यूजी का रजिस्ट्रेशन कल तक अवश्य करा लें। यानी कि 25 तारीख को पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, 25 तारीख के बाद में आपका यूजी के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। उसके बाद में फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट में आपका यानी कि 27 या 28 तारीख में आपकी पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसमें यदि आपको कोई करेक्शन आ रहा है, डेटा नॉट फाउंड आ रहा है, रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, तो वो भी आप अपना करेक्शन जरूर करा लीजिए। जो आपकी मेल आईडी दी गई है सीसीएस यूनिवर्सिटी की, तो उस पर या तो मेल कर दीजिए या फिर आप यूनिवर्सिटी में जाकर उसको करेक्ट करा लीजिए। तो यदि आपका इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई करेक्शन है फॉर्म में, तो उसको भी आप अवश्य करा लीजिए। इससे आगे बात करते हैं जो आपका बीएड के लिए, मैंने बताया था 241 कॉलेज हैं, उनके लिए भी नोटिस जारी किया गया है। यानी कि वो भी अपनी प्री अप्रेजल रिपोर्ट जरूर सबमिट करा दें 25 तारीख से पहले पहले। यानी कि उनकी जो लिस्ट है वो भी अपनी वेबसाइट पर सीसीएस यूनिवर्सिटी ने डाल दी है। तो आपको इस बार एडमिशन बड़े सोच समझ के लेना है, तो आप अपने एडमिशन के लिए यानी कि पहले देख लें कि उस कॉलेज का लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। यदि उस कॉलेज का नाम लिस्ट में नहीं है तभी आप एडमिशन लें। यानी कि वो कॉलेजों की जो लिस्ट है वो लिस्ट है जिनकी प्री अप्रेजल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई थी, यानी कि 25 तारीख के बाद में फिर उनको जो है नोटिस जारी फिर से किया जाएगा जिन कॉलेजों की रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। तो यदि आपको लगता है कि इस चैनल पर आपको अच्छी और सच्ची न्यूज मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।